Welcome to your next module of headings, paragraphs, and styles in HTML basics. In this module, we will be having a detailed discussion regarding the headings, paragraphs, and the styles, which are the most important of all. In order to discuss all these things, let's go back to our Visual Studio Code. मैंने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स और स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक किया और कहा ये ओपन विद कोट, इट विल क्रिएट अ न्यू, इट विल ओपन द विंडो, इनफैक्ट द विजुअल स्टूडियो कोड विद द फोल्डर ऑफ हेडिंग पैराग्राफ्स एंड स्टाइल्स एंड वी विल ऐड द पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इस पेज के अंदर मैं अब ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा जो पूरा स्टाइल खुद लिखता हूँ, यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसकी वजह से मैं सिंपल एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एमिट एब्रिविएशन इसे कहते हैं लिख के मैं इंटर करूँगा तो ये पूरा का पूरा इसका जो स्टाइल है वो जनरेट कर देगा एचटीएमएल का स्टार्टअप बूटस्ट्रैप या स्टार्टअप जिसे कहते हैं कि एक काइंड ऑफ स्टार्टअप मॉड्यूल पूरा जनरेट करके आपको दे देगा जिसके अंदर क्या कुछ होगा, जिसके अंदर डॉक टाइप अवेलेबल होगा, इसके अंदर एचटीएमएल का टैग लगा हुआ होगा और एचटीएमएल के टैग के अंदर हेडिंग का हेड का टैग है और बॉडी का टैग है। ओके अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो इट विल ओपन दिस डॉक्यूमेंट इन टू अवर ब्राउजर विद द डॉक्यूमेंट एज अ टाइटल। ओके मैं इसके अंदर इसका टाइटल अगर मैंने देना है तो मैं कहूंगा ओके हेडिंग्स पैराग्राफ एंड स्टाइल्स। ओके वी विल गेट द हेडिंग ऑन आवर पेज। ओके हेडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एचटीएमएल के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई वुड राइट इट लाइक H1 के अंदर मैं लिखता हूं कि डीजी पाकिस्तान और H2 के अंदर मैं लिखता हूं कि वेब MCSA वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरह मैं H3 के अंदर मैं लिखता हूं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और H4 के अंदर मैं लिखता हूं HTML बेसिक्स, और H5 के अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग्स पैराग्राफ्स एंड स्टाइल्स। ओके नाउ गेट बैक टू अवर पेज। देखिए अब क्या किया इसने कि H1 से लेके H5 तक जितने भी थे, अब इसके अंदर एक H6 भी होता है, H6 हेडिंग स्टाइल होता है from the instructor। ओके देखिए H1 से लेकर H6 तक ये पूरी हायरार्की जनरेट होती है, दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द हेडिंग्स, H1 इज द लार्जेस्ट वन एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट वन। हम H1 से लेकर H6 तक कोई भी हेडिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मली जो यूजर्स होते हैं या नॉर्मली जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो आपकी इन हेडिंग स्टाइल्स को ही पढ़ के स्किम करके आपके उसके बारे में बता रहे होते हैं कि इस पेज के अंदर कितना कंटेंट मौजूद है, इस पेज के अंदर कहाँ कहाँ मैंने जाना है, कितनी डिटेल पे मैंने इस चीज़ को डिग आउट करना है। तो ये यूज़र को एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती है सारी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग्स के बाद हमारे पास होता है पैराग्राफ। लेट्स से पैराग्राफ में मैं पी का टैग यूज करता हूँ, दिस इज अ टैग फॉर द पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है। ओके इस टेक्स्ट को लिखने के लिए अब चूंकि मैंने आप लोगों के आगे एक डेमो देना है तो इस टेक्स्ट को सैंपल टेक्स्ट बनाने के लिए LOREM LOREM आप LOREM दें, और LOREM के आगे लेट्स से अगर मैं 50 लिखता हूँ तो ये 50 करेक्टर का LOREM ipsum जनरेट कर देगा, दिस इज द 50 करेक्टर्स LOREM ipsum टेक्स्ट। इफ आई गो बैक टू माई ब्राउजर हमारे पास ये सैंपल टेक्स्ट आ जाएगा, ये पैराग्राफ लिखने का तरीका। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मजीद कहता हूँ पी टैग और आई वुड से दैट LOREM 35, ओके
इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ कि लोरम नोप्स लोरम 20, ओके ये देखिए मेरे पास पैराग्राफ्स बनते जा रहे हैं। पैराग्राफ से क्या होता है कि आप अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ, लेट्स से लोरम मैं कहता हूँ 30, ये देखिए ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, और इसी के अंदर मैं काम करता हूँ कि इसी डाटा को दोबारा कॉपी करके फिर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे पास डाटा ज़्यादा हो। ये देखें ये एक पैराग्राफ आ गया, ये दूसरा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ आर जस्ट टू मैनेज अवर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इन टू अवर स्क्रीन, कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये एक पैराग्राफ बन गया, ये एक कॉन्टेक्स्ट स्टडी हो गया, फिर ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। जैसे एक नॉर्मल एक आपके पास कोई भी ऐसे होता है, कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, उसको अगर प्रेजेंट करना हो तो पैराग्राफ्स के अंदर लेट से अगर मैं ही कहता हूँ कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले करना है एग्जांपल के तौर पे कि जैसे ये मेरे पास मैं इसे कट करता हूँ, ये पी मैंने यूज़ किया, मैं इसको पी के बजाय मैं इसको प्री कह देता हूँ। ये देखें प्री से क्या होगा, ये जिस तरह लिखा जाएगा ये उसी तरह शो यहाँ पे शो होगा। ये देखें जिस तरह ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है उसी तरह ये टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। एग्जाम्पल ये कब यूज होता है, ये नॉर्मली इस वक्त यूज होता है जिस वक्त आप कोई पॉइंट्स, आप किसी किस्म का कोई कोड, किसी किस्म की अपनी कोई इंडेंटेशन मेंटेन करना, जैसे ये है यहाँ पे लिखा है, देखें ये एज इट इज इस तरह यहाँ पे नजर आएगा। दिस इज द प्री टैग, पैराग्राफ का टैग होता है। पैराग्राफ के टैग के अंदर किसी किस्म का स्टैंडर्ड मेंटेन, स्टैंडर्ड मेंटेन का मतलब है कि जितनी भी स्क्रीन होगी उसके लिहाज से वो अपने आप को फैला देगा, उस लिहाज से अपने आप को श्रिंक कर देगा। लेकिन जो प्री का टैग है ये अपने आप को सेम उसी तरह रखेगा जिस तरह आपने अपने कोड के अंदर अपने को शो किया हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराग्राफ एंड द प्री टैग। प्री का टैग कब यूज होता है, जस्ट लेट से आपने कोई पोइम शो करनी है, आपने कोई कोड शो करना है, आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शो करना है, यार इसी फॉर्मेट में ये शो हो, देयर इज अ प्री टैग फॉर दैट। और हेडिंग का टैग्स कब यूज होते हैं, जिस वक्त आप ये कहते हैं कि भाई ये जैसे देखें ये डीजी पाकिस्तान इज माई मेन हेडिंग, विद इन दैट डीजी पाकिस्तान वी हैव द कोर्स फॉर एमसीएसए वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, विद इन द वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट वी हैव द डिटेल कॉन्टेंट फॉर front end development and similarly for the server side development and for the, all these we can manage the things by using this headings. Okay, next up hamare paas cheez jo maujood hai that is our styling. Styling bahut important part hai hamare kisi bhi page ke andar, kisi bhi data ke andar. Example ke taur pe मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक डिव का टैग मैंने लगा दिया। डिव का टैग लगाने से क्या होता है, देखिए अगर मैं अपने डिव का टैग लगाने के बाद F12 करूँ और F12 करके मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूँ, देखिए किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो इस कर्सर को ले लें यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें ये डिव का टैग है आपका। डिव का टैग के अंदर चूंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा इस तरह, इसलिए कुछ है भी नहीं और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ओके, If I would like write it like के मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि वो स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट हर एक एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है। स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टाइल के अंदर हम लोग की वैल्यू, इनके प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू के फॉर्म में हम लोग चीज़ें लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई इसके इर्द गिर्द सारा बॉर्डर आ जाए, मैं कहूँगा ओके बॉर्डर 1 pixels सॉलिड और बॉर्डर का कलर, दिस विल बी द कलर ऑफ द बॉर्डर, गो बैक टू दिस, दिस इज द कलर ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास ये डिव आ गया। मैं एक काम करता हूँ इस डिव के टैग को यहाँ से कट करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस डिव के टैग के अंदर कोई डाटा नहीं मौजूद, ठीक है, जिस वजह से ये चीज ऐसे आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिव का एंडिंग टैग कट करके यहाँ प्लेस कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेटेड, ये फॉर्मेट हो गया। अब ये देखें ये हमारे पास ये डिव का टैग आ गया, देखें इससे पूरा एडिट कर सारा बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई इसके ये जो सेल है ये सारा टेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ साथ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने अंदर करना है, थोड़ा सा बाहर, यानी कि इतना मार्जिन देना है, इतनी पैडिंग देनी है। अब ये मार्जिन और पैडिंग ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैं इस काम करने के लिए अब पेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें
कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक डिफ का टैग है, ठीक हो गया। अब डिफ के टैग के अंदर आई वुड कट दिस, कॉपी इट एंड मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट प्लेस करता हूं। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट हमने प्लेस कर दिया। दैट्स इट। अब ये देखें, अगर मैं ये देखूं कि इस वक्त ये क्या बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री है जो कि मेरी डिफ की बाउंड्री है, मेरी डिफ की बाउंड्री है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अंदर देखूं तो मुझे नजर आएगा कि भाई ये देखें, ये सारा रीजन, दिस वन, सिमिलरली दिस वन, ओके एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ माई कॉन्टेंट, ठीक है। ये मेरे कॉन्टेंट की बाउंड्री है, ठीक हो गया। अब देखिए, कॉन्टेंट की बाउंड्री से लेकर ये वाला डिस्टेंस जो है मेरे डिफ की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, इसको हम लोग नाम देते हैं, दिस इज नोन एज पैडिंग, ओके। अब इसी तरह अगर इस कंटेंट के साथ यहां पर कोई और कंटेंट लगा हुआ, ओके, तो ये जो इस कंटेंट का, इस कंटेंट के साथ जो गैप आता है, ये जो गैप है और गिवर से, ओके यस, दिस गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, ओके। दो एल कंटेंट, दो एलिमेंट्स का, यानी कि दो कंटेनर्स का, डिव इज अवर कंटेनर। अगर मैं डिव को, डिव की बात करूं तो डिव क्या चीज है, हमारा कंटेनर है, कंटेनर, ओके। ये कंटेनर है और एक हमारा कंटेनर ये है, ठीक हो गया। ये जो दो डिव कंटेनर्स के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। और एक कंटेनर के अंदर जब एलिमेंट आया, कंटेंट आया होता है, उस कंटेंट का, उस एलिमेंट की बाउंड्री का जो होता है गैप, इसको कहते हैं पैडिंग। तो इस चीज को अगर हम लोग स्टडी करें तो ये देखें, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये टॉप कहलाती है, ठीक है। इस चीज को अगर देखें तो ये चीज क्या कहलाती है, राइट, ठीक है। इस चीज को अगर हम देखें तो ये क्या है, बॉटम, और इस चीज को स्टडी करें तो ये क्या चीज है, लेफ्ट। बस ये चीज हमने अपने जहन में रखनी है तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या करना। अब देखिए, मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूं कि ये कंटेंट है और ये वाला कंटेंट है ना, और ये डिव है, मैं कंटेंट और डिव के बीच में गैप डालना चाहता हूं, तो क्या करना चाहता हूं, मैं पैडिंग डालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं पैडिंग कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे पैडिंग देने के लिए इसके स्टाइल के अंदर यहां से कह देता हूं पैडिंग, और क्योंकि मैं हर तरफ से पैडिंग इक्वल देना चाहता हूं तो मैं कह देता हूं कि पैडिंग 10 पिक्सल्स, ये देखें 10 पिक्सल्स की पैडिंग हर तरफ से हो गई। इफ आई वुड से कि नहीं भाई पैडिंग 10 पिक्सल्स कम है, मैं 20 पिक्सल्स की पैडिंग देना चाहता हूं, तो ये देखें ये 20 पिक्सल्स की पैडिंग हो गई, ओके।
स्टाइल्स के अंदर हम इस तरह की चीजें लिखेंगे। अब स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हर तरह का काम हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को जैसे हमने बॉर्डर लिखा है, जैसे हमने पैडिंग लिखी है, इसी तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं कि हम इसका कलर डिफाइन, फोर कलर डिफाइन कर सकते हैं, इसका बैक से बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैक कलर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसका फॉन्ट ओके फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में मैं इसको कहता हूँ कि ओके यार चलें जी, ये फॉन्ट फैमिली मैं मर्सिडीज सेंस जो अभी तक पढ़े हुए यही इसमें फॉन्ट ले जाता हूँ, ये फॉन्ट स्टाइल डिफाइन। और देखिए चीजें कैसी आहिस्ता आहिस्ता अपने लिहाज से चीजें अलाइन होना शुरू हो गई। अब ये जो चीज है, ये जो एलिमेंट की एलिगेंस के ऊपर हम काम करते हैं, दिस इज नोन एज स्टाइलिंग, ठीक है। ये स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग CSS को यूज करेंगे, कैस्केड स्टाइल शीट, जो कि आगे हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फॉर द टाइम बींग अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसके अंदर कोई काम करना है, किसी एलिमेंट को अलाइन करना है, किसी एलिमेंट को मार्जिन देना है, वी कैन डू दैट। इसी तरह मैं अगर ये कॉपी करूँ डिव, ठीक है, ये डिव कॉपी करके मैं यहाँ प्लेस करूं और यहाँ पे इस डेव का क्लोजिंग कर दूं, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। अब ये देखें, ये डेव दूसरी डेव के साथ बिल्कुल अलाइन हुई हुई है, बिल्कुल इनके साथ जुड़ गई है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, तो क्या होगा, एक डेव का दूसरी डेव के साथ क्या डालूंगा, मार्जिन, ठीक है। और ये क्या, अगर मैं नीचे वाली डेव के लिहाज से देखूंगा तो ये मार्जिन टॉप होगा, और ऊपर वाली डेव के लिहाज से देखूंगा तो मार्जिन बॉटम होगा। इट्स अप टू मी, मैं क्या करना चाहता हूँ कि गो फॉर दैट, मार्जिन बॉटम, मेक इट 10 पिक्सल्स, ये देखिए 10 पिक्सल्स का। ओके, दिस इज द वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैग फॉर हेडिंग्स, फॉर द पैराग्राफ्स एंड फॉर द स्टाइलिंग। ओके, थैंक यू।